हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में हैं, तो यानी कि हम लोग कंप्यूटर जीके के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 18 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 19वां टेस्ट है। ठीक है, याद रखिए, अगर टेस्ट देने से पहले आप लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल यानी कि विस्तार से पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, कहीं से भी पढ़ें, और हमारी तरफ से भी आपका कवर किया गया है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में सभी लेक्चर पढ़े हुए हैं चैप्टर बाई चैप्टर। इतना कह सकता हूँ कि अगर उन्हें आप लोग कवर कर लेते हैं उन चैप्टर को, प्लस आप लोग ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं जो हम लोग अभी लगा रहे हैं इन्हें भी कवर कर लेते हैं, तो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, फिर चाहे वो लिखित रूप में हो फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव रूप में, सभी सॉल्व करने की स्थिति में आप पहुंच जाओगे। तो चलिए 19वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को। 21 में आप एक क्या होगा, 19 में आपका एक ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर एक में आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका दूसरा, क्या है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे आपके डेनिस रिची। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी सेल मुख्य मेमोरी के में भंडारण की आधारभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या होगा आपका, सी। क्वेश्चन है आपका चार, प्राइमरी मेमोरी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन हमारा पांच, रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी, क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। याद रखिए, इस तरह के जो भी शॉर्ट संक्षेप नाम होते हैं इनका पूरा नाम, जो भी कंप्यूटर से संबंधित है आपके शॉर्ट फॉर्म है उनका पूरा नाम है पूर्ण रूप, उनके लिए हम लोगों ने एक अलग से बिल्कुल सेपरेट आपकी क्लास ली गई है। ठीक है, तो ये सभी उसी में पड़ी हुई हैं, कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है तो उसी में डली हुई है। एक बार आप लोग कवर जरूर कर लीजिए, देख जरूर लीजिए, अगर नहीं पढ़ना है फिर भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में पढ़ाया गया है और बहुत कुछ उसमें बताया गया है आपको। क्वेश्चन है आपका छठवा, क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल संग्रह करती है आपकी सेकेंड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर छठवे में आपका ए है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है, ये सभी रैम क्या होता है, इन सभी को डिटेल में वहाँ पढ़ाया गया है, तो अगर आप लोग उन्हें पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको आप सॉल्व करने की स्थिति में बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे उसे। सातवां क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है या स्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और जरूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे,
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 8, क्या है, आजकल किस किस साइज की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में आती है? 5.25 इंच और 3.5 इंच, यानी कि 5.25 इंच और 3.5 इंच। 8 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 9, क्या है, टीपीआई किस चीज को दर्शाता है? टीपीआई किस चीज को दर्शाता है? फ्लॉपी की क्षमता। 9 में क्या होगा आपका? सी। 10, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी का। 10 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 11, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है। 11 में आपका ए होगा। 11 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारा 12, क्या है, डेटा कहाँ भेजना है, यहाँ कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? एड्रेस बस। डेटा कहाँ भेजना है या फिर कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? यह है आपकी एड्रेस बस। 12 में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन है 13, कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। तेरह में आपका बी। क्वेश्चन है 14, माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। 14 में आपका डी। क्वेश्चन है 15, स्कैनर से संबंधित कौन सा तत्व सही है? यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। 15 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 16, ओ एम आर से संबंधित कौन सा तत्व सही है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। आप लोग पेपर देने जाएंगे तब ओ एम आर सीट मिलती है, अगर आपका ऑफलाइन पेपर हुआ तो। 16 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 17, ओ बी आर किसका संक्षिप्त रूप है? ओ बी आर किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्टिकल बारकोड रीडर का। 17 में आपका सी होगा। इस तरह के जो संक्षिप्त रूप होते हैं, शॉर्ट फॉर्म, उनके फुल फॉर्म, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, तो इन्हें जाकर पढ़ लें एक बार अच्छे से, एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद थोड़ा अंदाज़ा बना रहता है। कभी आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आता भी ये क्वेश्चंस, तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 18, कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं प्रिंटर। 18 में आपका डी। क्वेश्चन है 19। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर को क्या कहलाता है? लाइन एंड पेज प्रिंटर। उन्नीस में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 20। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 21। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है, सीपीयू। 21 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 22। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सीयू। बाईस में आपका ए होगा। 22 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारा 23। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनाओं का कार्य करता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? ALU। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 24। क्या है? डेटा और प्रोसेसर को भविष्य के लिए संग्रह करने करके रखने को कहते हैं, स्टोरेज। 24 में आपका ए है। क्वेश्चन है 25। सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर तीन भागों का परिपथ होता है, वे हैं सीयू, ALU, रजिस्टर। ये सभी होगा। 25 में आपका ई होगा। 25 में ई ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 26। फैक्स के चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? PSTN नेटवर्क का। 26 में क्या होगा? बी। सत्ताईस। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। 27 में आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? इंट्रानेट। 28 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 29। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्सन। 29 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 30। यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस।
30 में क्या होगा आपका? डी। इकतीस, प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है? फोटोशॉप। बत्तीस, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? पेज अप, कुंजी। 32 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 33, वायरलेस मोबाइल डिवाइसेज को इंटरनेट और उसकी सर्विस जैसे कि वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है। वेब, WAP। 33 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है आपका 34, DOS फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वर्चुअल मेमोरी नहीं होता है। 34 में आपका टी है। क्वेश्चन है हमारा 35, डेटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्रित की गई सारी सूचना में स्टोर होती है। ये सूचना आपकी स्टोर होती है रिपोजिटरी में। 35 में आपका ए होगा। 36 में क्या? 36 क्वेश्चन है अगला, लो पावर पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? यूएसबी केबल द्वारा। 36 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 37, नैनो शब्द संबंधित है। नैनो शब्द संबंधित है आपका किससे संबंधित है? 10^-9 एम। 37 में सी होगा। क्वेश्चन है 38, एनिग में इम्प्रूवमेंट एक गणितज्ञ द्वारा संभव हुआ वह था? जॉन वैन न्यूमैन। 38 में आपका ए होगा। उनतालीस, एन बिट कोड को प्रयोग करते हुए बिट पैटर्न की संख्या होती है? 2^n, यानी कि 39 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है आपका 40, कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाता है बुलियन एलजेब्रा। 44 में आपका बी होगा। 41, एक पेंटियम फोर में ट्रांजिस्टर होते हैं कितने? 40 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 42, बाइनरी को डेसिमल में एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में किस की पावर लेनी पड़ती है? 2 की। 42 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 43, क्या है? आईसी का वर्गीकरण पर आधारित होता है। ट्रांजिस्टर की संख्या पर। 43 में आपका सी।
क्वेश्चन है 44। सुपर कंप्यूटरों के साथ प्राथमिक तौर पर किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके फ्लॉप्स। चवालीस में क्या होगा? सी। 44 में सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 45। इंटरफेस के एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। सीरियल। 45 में आपका सी है। क्वेश्चन है 46। बिल गेट्स ने कौन सी किताब लिखी? दी रोड अहेड। 46 में आपका बी है। 46 में क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 47। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? ऑर्टर। ऑर्कट। क्या है? ऑर्कट। ऑर्कट। क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना शैक्षिक पोर्टल अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत में हाल ही में प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट। 48 में आपका ए होगा। उनचास। नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का अर्थ होता है? कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। 49 में आपका ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो किसी लोकप्रिय आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है? टोयोटा। पचास में आपका सी होगा। तो चलिए, ये था आपका 19वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 20वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे।